खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। देश में रोजगार बढ़े, नौकरियां बढ़े, युवाओं को रोजगार मिले, इसकी जिम्मेदारी रोजगार मंत्री की होती है। अगर देश का रोजगार मंत्री, श्रम और रोजगार मंत्री ये कहे कि पूरे उत्तर भारत के जो युवा हैं वो नाकाबिल हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं, इस लायक नहीं कि उन्हें नौकरी दी जाए, तो फिर सरकार के लिए सारी समस्या ही खत्म है। आप सबको बता दो कि जनता जितना युवा है देश का सब नाकारा है, तो हम नौकरी कहाँ से दें उनको, वो नौकरी लायक ही नहीं। तो ये एक बेहद गंभीर मुद्दा है, क्योंकि इस समय जो है रोजगार इतनी तेजी से खत्म हो रहे हैं, बेरोजगारी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हाहाकार है नीचे युवाओं में। हम लोग को दिल्ली में शायद उसका एहसास न हो, लेकिन नीचे जो है इसका बड़ा भारी असर है। और आपने जैसे अगर आंकड़ों पे मैं आपको जाऊं तो जो बेरोजगारी की दर है वो 8.2% हो गई, इतना 45 साल में पहले कभी नहीं हुआ जितनी बेरोजगारी इस समय चल रही है। और यही नहीं, अगर आप देखें कि सिर्फ 2018 में 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। क्या सरकार का वादा था, क्या अपने भाषणों में इन्होंने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नए रोजगार देंगे युवाओं को? यहाँ वो 2 करोड़ तो चले गए, वो तो मिल ही नहीं रहे। और एक एक साल में 1-1 करोड़ जो लोग नौकरी में वो निकल जा रहे हैं, तो नए रोजगार मिल नहीं रहे हैं। और जो ऑलरेडी जो है नौकरियों में है वो करोड़ों की संख्या में लोगों की नौकरियां जा रही हैं। तो ये एक भयावह स्थिति देश में पैदा हो रही है। और मैं तो योजना आयोग में मंत्री था, मेरे पास तो आंकड़े आते थे, जो युवा है उसकी दर 2.5% युवा हर साल देश में बढ़ रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ 2.5% युवा हर साल देश में बढ़ रहा है। इनको अगर आप नौकरियां नहीं देंगे तो ये क्या करेंगे, इनका क्या हालत होगा, किस रास्ते पे भटक सकते हैं? इसलिए ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि इनको जो है रोजगार दिया जाए। और अगर सरकार ये कहती है कि नहीं साहब ये सब नकारा है, बेकार है, नौकरी लायक ही नहीं है, तो ये तो अजीब बात हुई। क्या उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, पंजाब के, हरियाणा के, हिमाचल के, जम्मू कश्मीर के, आप राजस्थान के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के सब युवा नाकारा है, वो काबिल है ही नहीं? अगर आप लोगों में इस जोड़े तो ज्यादातर इन्हीं राज्यों के निकलेंगे छोड़ के। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक बयान है। और या तो जो है मंत्री को माफी मांगनी चाहिए इस बयान के लिए, श्रम और रोजगार मंत्री को, अथवा वो ये कहें कि सरकार की नीति यही है, ये सरकार मानती सरकार की नीति है, या तो स्पष्ट करें कि दिस इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, वी थिंक ऑल द नॉर्थ इंडियन यूथ्स आर इनकॉम्पिटेंट, इनकैपेबल टू गेट एनी जॉब, या अदरवाइज मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज फॉर दिस स्टेटमेंट, दिस व्हाट वी आर डिमांडिंग। एंड द अदर थिंग इज दैट इन्होंने स्किल इंडिया प्रोग्राम, हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ पिछले 5 साल में स्किल इंडिया पे। तो जब स्किल इंडिया में आपने 16 लाख लोगों को कहते हैं आपने स्किल्ड कर दिया, कुशल बना दिया, तो फिर उनका अगर वो कहते हो कि आप जो है वो नाकाबिल हैं, तो फिर इन लोगों को स्किल इंडिया में ट्रेनिंग क्यों दी? और उसमें सिर्फ 30% लोगों को नौकरी मिल पाई, 70% को जो स्किल्ड है उनको भी नौकरी आप नहीं दे पा रहे। इसका मतलब नौकरियां खत्म होती चली जा रही हैं और आप इस स्थिति में नहीं है कि नौकरियां दे पाए। आज चपरासी की नौकरी का आवेदन होता है, इंजीनियर उसके लिए फॉर्म भर रहे हैं, क्लास 4 की नौकरी, चतुर्थ श्रेणी की नौकरी के लिए पहले तो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ते थे, अब इंजीनियर और तरह तरह के इस तरह के पढ़े लिखे MBA ये सब उनके लिए अप्लाई कर रहे हैं। इतना बड़ा नौकरियों का संकट हो गया सरकार, इतना बड़ा रोजगार का संकट है, लेकिन सरकार के कानों पे कोई जू नहीं रेंग रही, कोई इसकी बात ही नहीं करता। और अगर आप बोल दो तो आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, आपके खिलाफ तुरंत जो है बयानबाजी चालू हो जाएगी, सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ अभियान सब चालू कर देंगे। ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है जिसकी आप लोगों के जरिए, जिसकी तरफ मैं सरकार की तरफ इसका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। जैसे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकार को मानना पड़ेगा सबसे पहले कि आर्थिक संकट है, सरकार डिनाइल मोड में क्यों बैठी है,
मना क्यों कर रही है? पहले मानो कि आर्थिक संकट है, सबसे सलाह लो, निकालो। आर्थिक संकट में तो सभी लोग मदद करेंगे ना, सारी पॉलिटिकल पार्टी मदद करेंगे कि देश के लोगों का भला। लेकिन अगर आप डिनायल मोड है कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम किसी से सलाह नहीं लेंगे, सब सही चल रहा, सब अच्छा चल रहा है, हम मानते ही नहीं कि कोई आर्थिक संकट है, तो आप उसका हल कहां से निकाल पाएंगे? और आज एक इंग्लिश नेशनल डेली की रिपोर्ट है जो काफी सीरियस है, अगर आप उसको देखिए, उनके इकोनॉमिक पेज पे है कि जो हमारी ये फैसिलिटी होती है लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम, उसमें पिछले 5 साल में $45 बिलियन बाहर गया है, माने 3,15,000 करोड़ रुपया लोग बाहर ले गए। पहले तो ये था कि काला बाहर से पैसा लाएंगे, देश में 4,00,000 करोड़ बाहर रखा हो, बाहर से आएगा काला धन हो, ये सब है, वो सब तो आना तो दूर रहा, तो कोई बात ही नहीं है। 3,15,000 करोड़ रुपए तो लोग लेके गए, और उसमें उसी अखबार में रिपोर्ट में पूरा उसने दिया है डिटेल में, कि एक्सप्रेस में है रिपोर्ट ये, कि ज्यादातर लोग वो हैं जो यहां से तंग आके बाहर अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। ज्यादातर ये एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं जो बाहर भाग रहे हैं, यहां से निकल के जा रहे हैं, क्योंकि उनको यहां ईज ऑफ बिजनेस नहीं मिल रहा, बिजनेस की सुविधाएं यहां उनको जैसे होनी चाहिए वो वातावरण नहीं मिल रहा, इसलिए वो बाहर जाके शिफ्ट कर रहे हैं। और मुझे 2 साल पहले याद है कि एक लेक्चर हुआ था फिक्की में, रुचिर शर्मा जो इमर्जिंग मार्केट के हेड हैं मॉर्गन स्टैनली के, उन्होंने तब 2 साल पहले वार्न किया था, तब उनके हिसाब से 6,000 इंडियन एंटरप्रेन्योर्स देश छोड़ के बाहर बस गए जाके, और 2 साल में तो और भी लोग चले गए। तो ये नौकरियां देगा कौन? अगर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं देश के, जो उद्यमी हैं, अगर वो बाहर जाके बस रहे हैं, बाहर पैसा खर्च कर रहे हैं, बाहर लगा रहे हैं, बाहर लगा जाके वहां के लोगों को नौकरियां देंगे, तो इस देश में नौकरियां कौन देगा? तो ये ईज ऑफ बिजनेस आपको लाना पड़ेगा, लोगों को ये करना पड़ेगा कि भाई यहाँ के लोग, यहाँ के उद्यमी व्यापारी बाहर न जाए, न तो ये बड़ी मुश्किल और समस्या आएगी। तो ये मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी की बेवजह आलोचना करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस तरफ ध्यान दें, एक बेहद गंभीर समस्या है जिसको धीरे धीरे रियलाइजेशन होगा। और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जिसमें ये संकट ना हो, हर क्षेत्र में संकट है, कोई भी सेक्टर आप उठा लीजिए, तो ये एक जो है अपने आप में बहुत ही गंभीर चीज है। यहां तक कि आपकी जीडीपी की लगातार 5 क्वार्टर में गिरावट चल रही है, पाकिस्तान से भी नीचे आपकी जीडीपी की दर जा रही है, ये हाल हो गए हैं। रुपया जो है वो डॉलर से तो आप छोड़ दीजिए, टका से कम्पीट कर रहा जो बांग्लादेश का है, ये हमारी नौबत आ गई है वहां पे। और हालात ये हैं कि जो एग्रीकल्चर, जो 60% लोगों की रोजी रोटी चलाता है, उसकी ग्रोथ भी 3.5% से गिर के 2.5% आ गई है। तो ना एग्रीकल्चर सेक्टर वर्क कर रहा है, ना इंडस्ट्री वर्क कर रही है, ना मैन्युफैक्चरिंग वर्क कर रही है, तो आपको और स्किल इंडिया जो होके उसका कोई असर कहीं हो नहीं रहा, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो सिर्फ भाषण, बयानबाजी, विज्ञापन, इसके अलावा नीचे जमीन पे कुछ नहीं है। तो ये एक बेहद जो है चिंताजनक हमें बात लग रही है। रुपया लगातार कमजोर होता चला जा रहा, मैन्युफैक्चरिंग जो 7-8% होनी चाहिए वो घट के 0.6% है, एक्सपोर्ट नेगेटिव है, निर्यात नकारात्मक दिशा में जा रहा, ऑटो सेक्टर में मारुति अशोक लीलैंड के बाद अब महिंद्रा में भी 15 दिनों की बंदी है, ऑटो सेक्टर अलग से घिरी रहा आपको पता है वहां पे। और इसके बाद जो है लोगों जो बाहर जा रहे हैं, ये सब देखते हुए लगता है कि एक बहुत ही अंधेरा बिल्कुल सामने आ रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार को बहुत प्रभावशाली कदम उठाने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जो टॉप नेतृत्व है सरकार का वो इस दिशा में कुछ सोच भी रहा है, वो लगातार जो है सब अच्छा है, सब अच्छा, सब बढ़िया चल रहा है, यही बोलता है। तो मेरा सरकार से आग्रह है, करबद्ध निवेदन है कि इस तरफ ध्यान दें, ये बहुत गंभीर संकट है। अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो जो है एक देश में विकट स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि 2.5% की दर से जो है युवा बढ़ रहा है, और ये कहना कि पूरे उत्तर प्रदेश के सारे युवा जो है नाकारा हैं, बेकार हैं, दे आर नॉट क्वालिफाइड टू गेट जॉब्स, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा अपमान है। इसको प्रियंका गांधी जी ने भी उठाया, अपने उन्होंने उस पर कमेंट किया है ट्विटर के जरिए।
तो ये जो चिंता है कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त है और इस पे सरकार को और मंत्री को अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू टुडे. नाउ इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू आर मोस्ट वेलकम. हाँ बोलिए अरुण जी. यही तो मैंने अभी कहा कि स्थिति ये आंकड़े ये हैं और ये लोग मानने को नहीं तैयार है. डिनाइल मोड में ये कह रहे जी बहुत अच्छा बम बम है सब अच्छा चल रहा है, क्या कमाल बढ़िया चल रहा. तो वो तो मैं कह ही रहा हूं, आपने उसकी पुष्टि कर दी कि रविशंकर जी ने भी यही कहा तो कहेंगे. लेकिन असलियत तो नहीं. अभी मैं किसी उस पर देख रहा था कि एक प्रवक्ता ने भाजपा के प्रवक्ता को पूछ दिया कि ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, तो वही नहीं बता पाया. तो ये तो रट रट के बोलते हैं ट्रिलियन इकोनॉमी ट्रिलियन. अरे भाई है क्या ट्रिलियन, ये भी तो पता लगाओ ना. तो यही वो है. हाँ बोलिए. देखिए जहां तक प्रधानमंत्री के जन्मदिन का सवाल है, वो तो हम भी उनको शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं और जीवे श्रद्धा सतम कहते हैं कि वो दीर्घायु हो, स्वस्थ हमेशा रहें, है ना. उस मामले में कोई हमारा ऐतराज नहीं कि किसी का जन्मदिन मनाया जाए. जन्मदिन पे हम उनको आप लोगों के माध्यम से शुभकामनाएं देते हैं, उस पर हमारी कोई आपत्ति नहीं. हाँ वो तो डोनाल्ड ट्रंप अगर उस रैली में आते हैं, उन्होंने इन्वाइट किया और जाते हैं तो अच्छी बात है. डोनाल्ड ट्रंप का भी इलेक्शन आ गया है वाला है और भारतीयों के वोट बहुत है वहां. देखिए कांग्रेस पार्टी की इसमें बहुत स्पष्ट नीति है कि जो हमारा जेन्युइन सिटीजन है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए. जेन्युइन सिटीजन जो है उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और जो इलीगल सिटीजन्स हैं उनके लिए हम सब हर सरकार में प्रयास हुआ कि इलीगल सिटीजन्स के लिए को कोई अधिकार नहीं है. अवैध नागरिकों को कोई अधिकार नहीं है और वैध नागरिकों के साथ जो है कोई अन्याय नहीं होना चाहिए. तो किसी भी राज्य का मामला हो हमारी नीति एकदम स्पष्ट है. अवैध नागरिकों के लिए तो हमेशा डिपोर्टेशन का रूल है, हर सरकार में डिपोर्ट किए गए, कोशिश होती है. देखिए जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए. जो असम की आपने देखा होगा कि जो शिकायत आई सभी कर रहे हैं वो यही है कि वहां पे जो जेन्युइन नागरिक थे उनको भी उन्होंने उसमें ये कर दिया कि नहीं ये नागरिक नहीं, तो उसको लेके वहां काफी हंगामा हुआ सारे दलों ने किया. तो वो नहीं होना चाहिए, बीजेपी खुद कर रही है. तो ये जो प्रक्रिया है प्रोसेस जो है आइडेंटिफाई करने का दैट शुड बी कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट एंड अनबायस्ड. ये हमारे जो दूसरे प्रवक्ता ने उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो त्रिभाषा फार्मूला है ट्राई लैंग्वेज फार्मूला उस देश में एक बार सेटल हो चुका है वो लिखना चाहिए. हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उसको जितना हम बढ़ा सके अच्छा, लेकिन उसके साथ साथ क्षेत्रीय भाषाएं राजभाषा उनको भी प्रोत्साहित हमें करना चाहिए, है ना. वी शुड इनकरेज और हिंदी राष्ट्रभाषा का भी प्रचार प्रसार होना चाहिए. भाषा को लेकर अब झगड़ा नहीं शुरू करना चाहिए. हिंदी वैसे ही बढ़ती चली जा रही है और बढ़े ये हम सब चाहते हैं, लेकिन दबाव डाल के कहीं कुछ करके जो उस मुद्दे को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करना उचित नहीं है. कौन दौरा करेगा?
आई थिंक वी ऑल शुड वेलकम द स्टेटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिकॉज ही इज ऑल्सो एप्रिहेंसिव अबाउट द सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर एंड ही वॉन्ट्स टू अंडरटेक द विजिट टू द स्टेट आई थिंक हिज स्टेटमेंट इज वेरी पॉजिटिव एंड वेलकम स्टेटमेंट एवरीबडी शुड अप्रिशिएट इट जहाँ तक गुलाम नबी आजाद साहब का सवाल है तो उनको कोर्ट ने इजाजत दी है गुलाम नबी जी वहाँ के मुख्यमंत्री रहे और सबसे सफल मुख्यमंत्री रहे एक तरह से उनको विकास पुरुष कहा जाता था जिन्होंने डेवलपमेंट को बहुत बढ़ाया सारे लोग इस बात को जानते हैं तो ऐसे व्यक्ति को तो इजाजत मिलनी चाहिए तो वहीं के उसी के मिट्टी के लाल हैं तो उनको तो कम से कम जाने को मिलने चाहिए तो कोर्ट ने सही फैसला दिया मुझे लगता है कि ये फारूक साहब के साथ अन्याय है